वहाँ पर आप देख सकते हैं वो दादी बैठी हुई हैं जो अम्मी के साथ मिलके चूल्हा बनाने में हमारी बहुत मदद की थी। यानी शायद कुछ खा रही हैं तो उनको भी खाने देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एनी टाइम मतलब फोन क्या आ गया है दुनिया में, जैसे कि मतलब अगर फोन पे बोलना भी स्टार्ट करूंगी ना तो मेरा ब्लॉग खत्म हो जाएगा, इसलिए एकदम अभी अभी मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ आई है गुवाहाटी से। अभी मुझे पता चला कि वहाँ पे बहुत ही ज़ोरों की आग लगी है, मतलब जस्ट मेरे घर के बगल में ही लगी है। और मेरे भाई लोग बता रहे थे कि करीब 25 या 30 सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए हैं, तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी आग लगी होगी। तो आप लोगों के लिए मैंने कुछ टिप्स भी बनवाए हैं ताकि आप लोग भी देखो कि किस तरह की आग लगी है वहाँ पे। पता नहीं क्यों वहाँ पे हर साल ठंडा में आग लगना ही लगना, और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा आग, बहुत बड़ा बड़ा आग लगता है वहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है एकदम से। तो जब तक कि आप जाके पहले बहुत सारे क्लिप्स देख लीजिए, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कितना बड़ा आग लगा है। और जस्ट मेरे दुकान के बगल में ही है जहाँ पे आग लगी है, उस जगह का नाम है तूला गली। जो लोग गुवाहाटी से होंगे उनको तो पता चल ही गया होगा कि कहाँ पे आग लगी है। इससे पहले भी वहीं पे एक बार आग लगी थी और इतना जोर का आग लगा था ना, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। रात में लगा था तो एकदम मतलब सुबह हो गया था वो बुझते बुझते। तूला गली में आग लगा, तूला गली में बहुत जोर का आग लगा। यहाँ पे ये हमेशा की तरह अपने फोन के साथ पता नहीं क्या देख रही है। एक लेंस खरीदने की सोच रहा हूँ 50mm। अच्छा, ये क्या काम करेगा? दिस इज प्राइम लेंस। तो ये किस काम में आता है वैसे, मतलब इसके क्या क्या? अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स लेने। अच्छा, तो अभी ये लेना है क्या आपको? सोच रहा हूँ। क्या नाम है इसका? कैनन का 50mm। कैनन 50mm जी। ओके, तो शाम का 4 बजे का वक्त होता है ना, उस वक्त छत पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ख़ास करके मुझे जब भी वक्त मिलता है 5 मिनट के लिए सही, मैं छत पे आती हूँ बस एक चीज़ को देखने, वो पैरट यहाँ से उड़ता हुआ जाता है। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि गुवाहाटी में ऐसे पैरट उड़ता हुआ आपको तो मतलब नॉर्मली कभी नहीं मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर अक्सर मतलब शाम के टाइम मैं जब भी आती हूँ 2 मिनट के लिए मुझे टाइम मिला तो मैं आती हूँ बस वही देखने के लिए। और जब जब आती हूँ मैं तब तब देख के जाती हूँ यहाँ से। और आज मैं आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, अगर मुझे दिखेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी, आई होप दिख जाए। और मैंने एक बार दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ पर देखा था, जैसे हम लोग एयरपोर्ट पर उतरे थे ना बहुत सारे पैरट वहाँ पर उड़ रहे थे। और नेक्स्ट मैंने पटना में यहाँ पर इस जगह जहाँ पर हमारा घर है मैंने वहाँ पे देखा है कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ है ना बड़ी बड़ी, शायद इस वजह से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो मुझे इस तरह से बर्ड्स को देखना बहुत पसंद है, खास करके अगर पैरट हो तो बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है उड़ता हुआ। तो अभी देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। ये गया, अब भी गया था, पता नहीं आप लोगों को दिखा कि नहीं पर मुझे दिख गया।
ओह गॉड, एक और दिख जाता ताकि मैं आप लोगों को भी दिखा पाती। ओह गॉड, मतलब मैं जब भी आती हूँ ना इस वक्त छत पे, एकदम मतलब मस्त है, दिख ही जाता है मुझे, जो बहुत बहुत पसंद है मुझे। बहुत तरह के बर्ड्स को देखा है मैंने, जो नॉर्मली हम लोग शायद नहीं देखते आजकल की लाइफ में। और आज सुबह ही सुबह पटना में बारिश भी हुई, तो मौसम एकदम ठंडा ठंडा है। बस अब ठंडा तो जाने वाला है। वहाँ पे आप देख सकते हैं गाना बजता हुआ नाव जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना, वो वाली जो ट्री है ना सामने वाली, उसी में पैरट रहती है, अक्सर वहीं से उड़ता हुआ मैं देखती हूँ, इस साइड चले जाते हैं। बस एक और दिख जाए ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं, उसके बाद मैं नीचे चली जाऊं। बस आप लोगों के लिए वेट करूंगी, मैं आप लोगों को दिखाऊं। ओह प्लीज एक आ जाओ, प्लीज प्लीज। तो मैंने बहुत वेट किया लेकिन अभी दूसरा नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं पक्का आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर आप लोगों ने पहले वाला नहीं दिखा हुआ तो मैं दिखाऊंगी ज़रूर। अभी मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि पापा सो रहे हैं, अगर वो उठ गए होंगे तो उनको चाय पानी देने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। वहाँ पे हम लोगों ने चूल्हा को प्लास्टिक से रैप करके रख दिया ताकि बारिश के मौसम में ये भीग ना जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी भी जम गया। यहाँ पे ये भी सो रहे हैं और पापा भी अभी तक नहीं उठे हैं। उठे की तार दबाया हुआ। वाह, यानी की तैयारी हो रही है वैसे। इनसे तो ना मैं परेशान हो गई हूँ। आप लोग सोचे होगा ना किससे परेशान हो, अभी बताती हूँ आप लोगों को। इनका एक बहुत ही गंदा वाला आदत है, अगर आप जब भी सवाल करते हो कि कहाँ जा रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा, तो जवाब देने में इनको 5 मिनट लगता है पूरा, 5-10 मिनट पकड़ लीजिए आप। भैया जिंदगी देखिए, अभी एडिट चल रहा है और सारे इक्विपमेंट रखे जा रहे हैं और उसमें सवाल हो रहा है कहाँ जा रहे हैं। फिर से वही टी शर्ट के साथ चेंज कर लीजिए, मुझे तो ये वाला एकदम स्वेटशर्ट आपका एकदम भी नहीं अच्छा लगता। दिस इज गिरन भाई, माय वाइफ। लेकिन आप यूज तो करते नहीं हैं। कर तो रहा हूं, बहुत दिनों बाद निकाला है इसको। Thank you.